अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आज ये एक आम रिवाज हो गया है, आम चलन हो गया है कि जब लड़के और लड़की का रिश्ता तय हो जाता है, मंगनी हो जाती है, बातचीत पक्की हो जाती है, तो दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करना शुरू कर देते हैं, मैसेज और चैटिंग वगैरह भी शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है, क्या शादी से पहले लड़का लड़की फेसबुक है ना, या फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, या फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं? आज हम इस मसले को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें ताकि आपको पूरी बात सही तरीके से समझ में आ जाए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दें। शादी से पहले लड़का लड़की बात कर सकते हैं या नहीं, इस सिलसिले में हम आपको अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी हदीस पाक सुनाते हैं ताकि मसला समझने में आसानी हो। मुसनद अहमद इबन हम्बल की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो हरगिज़ किसी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार ना करे जिसके साथ कोई महरम रिश्तेदार ना हो। यानी ऐसी औरत के साथ तन्हाई में ना बैठे, बातचीत ना करे जिसके साथ कोई महरम रिश्तेदार ना हो, क्योंकि ऐसी सूरत में इन दोनों का तीसरा साथी शैतान मौजूद होता है वहाँ पर। इस हदीस पाक का मतलब यह है कि जब दो अजनबी मर्द औरत, लड़का लड़की अकेले में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो शैतान अपनी भरपूर कोशिश करता है कि ये दोनों कुछ गलत कर बैठें और इन्हें गुनाह हो, और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। इसीलिए हदीस पाक में इससे सख्ती से मना फरमा दिया गया है कि दो अजनबी मर्द औरत, लड़का लड़की तन्हाई में ना बैठें, मुलाकात ना करें। प्यारे दोस्तों, अब आप मसले को समझें। जिस लड़की से मंगनी हो जाए वो निकाह तक अजनबी ही रहती है, उससे फ़ोन पर बातचीत करना या मुलाकातें करना ये सब जायज़ नहीं है। शादी से पहले, निकाह से पहले लड़का अपनी मंगेतर के लिए गैर महरम ही है और गैर महरम रहेगा शादी से पहले, और गैर महरम से खलवत यानी तन्हाई इख्तियार करना, अकेले में मिलना, मेलजोल बढ़ाना, ये सब नाजायज़ व हराम है। गैर महरम बोलते हैं जिससे निकाह करना जायज़ हो। और औरत की आवाज़ भी औरत है, इसीलिए फ़ोन पर भी उससे बात करना मना है, क्योंकि ऐसे मामलों में फ़ोन बुराई की जड़ हुआ करता है। अगर आप शादी से पहले फ़ोन पर बातें करेंगे तो हो सकता है शैतान आपको बहका दे और आप कोई गलत कदम उठा लें जिसके है ना, जो शरीयत में जायज़ ना हो और मुआशरे में आपकी फिर बदनामी भी हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं ये तो हमारे मुआशरे में, समाज में आम है, इसे कोई आज बुरा नहीं समझता है, सब लोग बातें करते हैं शादी से पहले। तो मैं आपको बता दूं कि किसी गलत चीज़ का मुआशरे में, समाज में रिवाज हो जाना, चलन हो जाना किसी है ना बुरे काम के जायज़ होने की ये दलील नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी मुआशरे में शराब पीना आम हो जाए, सूद का लेन देन आम हो जाए, चोरी करना आम हो जाए, जिना करना आम हो जाए, है ना, तो क्या शराब पीना, चोरी करना, जिना करना, सूद लेना देना ये जायज़ होगा? हरगिज़ जायज़ नहीं होगा। इसी तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां है ना एक साथ खुल्लम खुल्ला बेपर्दगी के साथ हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं, फिरते हैं, बातें करते हैं, मुलाकातें करते हैं, और भी न जाने क्या क्या होता है। तो शरीफ मुआशरों में इसको हमेशा बुरा ही समझा जाएगा। अगर लड़का लड़की एक दूसरे से फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो उसकी एक सूरत है, और इसको गौर से सुने, और इसमें कोई गुनाह नहीं है और वो बिल्कुल जायज़ है, सही है। अगर रुख्सती में देर हो तो लड़का और लड़की का निकाह करा दिया जाए। निकाह होने से ये दोनों शौहर बीवी बन जाएंगे। अब ये दोनों फेस टू फेस आमने सामने मुलाकात करें, फ़ोन पर बात करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, ये सब जायज़ होगा, क्योंकि निकाह से अब ये दोनों मियाँ बीवी बन चुके हैं। मियाँ बीवी बनने के लिए रुख्सती ज़रूरी नहीं है, बारात ले जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि निकाह करना ज़रूरी है। तो मैं अपनी बहन और भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप में से किसी की मंगनी हो चुकी है, शादी की बात तय हो चुकी है, पक्की हो चुकी है, तो आप शादी से पहले हरगिज़ हरगिज़ फ़ोन पर बातें ना करें अल्लाह के वास्ते, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। अपने आप को इससे बचाएं। हाँ, शादी से पहले लड़का लड़की को देखना चाहता है या लड़की पसंद है या नहीं, पसंद भी होना चाहिए तो देख सकता है, या शादी से मुतालिक कुछ ज़रूरी बात है वो कर सकता है, लेकिन वो भी ज़रूरत भर।